No rapping, bro. No. I'm like... No rapping, please. Only solo track. Oh, sir. वो यो हनी सिंह के साथ था, है ना? हमारी कुछ गलतियां हैं जो हमने ज़्यादा रैप को प्रभावित कर दिया. रफ्तार बोलना चाहूँगा, रफ्तार को इंडस्ट्री में मैं ही लेके आया. बाकी जो मर्जी बोलते रहे, हम तो सीधा बोल रहे हैं अभी आपके सामने. रफ्तार का पहला गाना मेरे साथ आया था, उसके बाद बादशाह भाई जो आजकल किंग बन रखे हैं. तो मेरी एल्बम आई थी बॉन स्टार 2012 में, टी सीरीज के बैनर के हिट. तो उसमें बादशाह भाई का भी पहला वीडियो मेरे साथ ही था. तो मैंने सबके साथ मैंने सबको पुश दिया. मैं थोड़ा बीमार हो गया था 1.5 साल के लिए, तो आई एम बैक विद बैंग. अब गाने पे गाने, गाने पे गाने. हाँ जी, जैसा आप बोल रहे कि सब आगे निकल गए, आप थोड़ा पीछे. आगे और पीछे कोई नहीं निकलता दादा. उसके बाद कभी आपको कॉल आया उससे, आपसे कुछ, जैसे आप बोले बीमार थे या कुछ ऐसा? देखो, ये इंडस्ट्री ऐसे है, ये जो चार, ये इंडस्ट्री ऐसी है, चार जो मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ ये इंडस्ट्री कैसी है. नॉर्थ इंडियंस की बात करो, जो हमारे पंजाबी जहाँ के सिंगर्स हैं. मैं, मेरे को बॉम्बे, मैं मीत पाजी के पास भी गया, मैं बड़े सारे बड़े बड़े आदमियों से मिला. मैं रिस्पेक्ट करता हूँ मीत ब्रदर्स की भी कैमरे पे, वेरी डाउन टू अर्थ गाइस, जो प्यार करते हैं. वो मेरे को पाजी करके बुलाया. पर हमारे जो पंजाबी, जो नॉर्थ इंडियन गाइस है ना, वो चार लोग टेबल पे इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, पर जब टेबल से बाहर जाते हैं ना तो बहुत बड़ी वाली गाली निकालते हैं. ये तो कुछ भी नहीं है. तो ये बहुत बेकार चीज़ है इंडस्ट्री में. मेरी एक चीज़ है यहाँ पे कि हम जितना जुड़ के रहेंगे ना, उतना ही बीट कर सकते हैं. यहाँ पे मैं कई न्यूज़ सुनता हूँ, जी वो उस, वो मेरा साला, वो मेरा भाई, वो मेरा जीजा. यार वाई वी आर गेटिंग इनटू दीज ऑल दीज रिलेशनशिप्स? ठीक है, दिस इज़ अ फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, तो एंटरटेन करो ना. गाली निकालने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला.